आखिर क्यों दिया देवी सरस्वती ने माता लक्ष्मी को इतना भयंकर श्राप? दोस्तों पुरानी कथा के अनुसार एक बार जब देवी सरस्वती ब्रह्मलोक में वीणा बजा रहे थे तभी एक दिन माता लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। देवी सरस्वती माता लक्ष्मी को आसन पर बिठाते हुए कहने लगी, अब आप ब्रह्मलोक क्यों नहीं आती? जिस पर माता लक्ष्मी बोली, जन कल्याण में कार्य में व्यस्त होने के कारण मेरे पास समय नहीं होता, किंतु यदि उन्हें भी सिर्फ वीणा बजाना होता तो उनके पास भी अतिरिक्त समय होता। इस बात से दोनों देवियों में विवाद हो गया। दोनों देवी भगवान विष्णु के पास पहुंची जहाँ देवी गंगा पहले से उपस्थित थी और माता लक्ष्मी भी श्री हरि के पास जाकर बैठ गई, लेकिन किसी ने भी देवी सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहा। तब माता लक्ष्मी बोली कि मेरा निवास श्री हरि के हृदय में है, देवी गंगा को स्वयं प्रभु ने ही अपने चरणों में स्थान दिया है, इस तरह आपके लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। एक एक कर माता लक्ष्मी और देवी गंगा जोरों से हंसने लगी, जिससे देवी सरस्वती आवेश में आ गई और माता लक्ष्मी से बोली कि श्री हरि के हृदय में होने का बड़ा अभिमान है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको विष्णु लोक छोड़ के धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ आपका भगवान विष्णु से कोई संबंध नहीं होगा। दोस्तों जय भगवान विष्णु लिख के कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक करके